नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र विक्रम सिंह और आज शाने डुगर दे इस एपिसोड साढ़े कन्ने जड़ी शख्सियत मौजूद ने उन्हें वैसे तो इंट्रोडक्शन की कोई लोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों दसना चाहना कि आज साढ़े कन्ने बैठे देने रणधीर सिंह रायपुरिया जी। जल इंदा जन्म होया हा तो इंदा ना है रणधीर सिंह जम्वाल, लेकिन कवि बनने के बाद इन्हें अपना पेन नेम चूज किया है रायपुरिया। रायपुर इनके ग्रां का ना है जेडे बन तलाब जम्मू के थोड़े आगे पौंदा है। ताजा इन्दे ना जानगे इनकी अपनी लाइफ के बारे च, इनके कवि बनने का सफर किन्ना होया ते इनकी लाइफ च के स्ट्रगल आई हैं, ये सब चीज़ें अहें जानगे। और अपने जेडे आज के दर्शक ने उनके तो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि जेडे अपने डोगरी आर्टिस्ट ने उनके तई प्यार भावना अपनी बधाओ। अज मैं दिखना कि सोसाइटी जेडे साढ़े कवि ने जेडे साढ़े आर्टिस्ट लोग ने उन्हें बहुत घट सराहना मिला दी है। एक साहित्य कम्युनिटी तो मिला दी है, एक लिटरेचर कम्युनिटी तो, बट जी जन जन है उन्दे तक इनकी गल्ला नहीं पूजी पा दी ने। उन्हें साड़ा अपना इंटरेस्ट घट है या देखिए अज इन्दे ना गल करिए जानने कि ये सब के पिछे के कारण हुई सकते हैं। तो साढ़े कन्ने बैठे देना रायपुरिया जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर सब तो पहले तो अं ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या हाल है? हाल मेरा ठीक है जी। तो बाद विक्रम जी मैं आखना चाह के अस थोड़ा बड़ा धन्यवाद करने हैं, तुस तो एक टाइम अपना कड़ी है मेरे को घर आए और खासकर इस धुप्पा तो गर्मी तुम तो इतने आए, इन्नी तकलीफ की, मैं अपने तय दिल करने थोड़ा तो शुक्रिया अदा कर। नहीं सर, साड़ा वो है लग के कि अं तुंदे कन्नै बैठी पा दें तो तुंदे जिन्हें महान कवि कन्नै अहें गल करी पा दें। तो सर इन्ना को मैं जानना चाहना पहला तो कि तुंदा नाम जेड़ा रणधीर सिंह जम्वाल तू रणधीर सिंह रायपुरिया किन्ना होया, ये पेन नेम तुसे किन्ना चूज कीता? देखो जी मेरा पहलो ना हा काकू। अच्छा। निक्के होंदे असीं काकू आखदे। ठीक ठीक। ते यार वेलू ही काकू काकू आखदे। जेल्ले स्कूल पे ते साडा ना होई गया रणधीर सिंह जम्वाल। अच्छा ठीक। ओहदे बाद जिस वेले मैं लिखने का शौक पिया मी कॉलेज दे बाद, ते ओह फिर मैं सोचिया कि मैं रैपर दा रौहने वाला, एक रैपर दा ना होई जाए ते एक मेरा ना रणधीर सिंह होर भी है, इस करिए मैं रणधीर सिंह रैपरिया लिखिया कि एक मेरी पहचान जी अलग हुई है। ठीक ठीक। इस करिए मैं अपना ना रणधीर सिंह रैपरिया रखे। पहचान तो तुम्हें अलग बनाई गई है, अहें देखने तुंदे बारे च लेख देखने, तुंदे लेख देखने और जगह जगह में देखना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा फेलिसिटेशन मिली है ना, अवार्ड्स मिले ना, रिकॉग्निशन है सर तुंदी। मैं बिच दिखा रहा कि तुम्हें एक दो गाने के लिरिक्स भी लिखे देने, ये तो एक इन्ने वैरायटी ऑफ फील्ड तो है किन्ना, मतलब इसकी मोटिवेशन तो कुछ मिली? जो गीते दी गीत मेरे बड़े लिखे दे काफ़ी, मतलब रेडियो बिच भी बजते हैं, एक कैसेट भी असं तैयार की, अलावा भी मेरे जो गीत काफ़ी कमर्शियल टाइप भी लिखे दे। अच्छा। तो उनकी इस वेले किताब तैयार हो गई है गीते दी। ओके। ये बचपन को मैं कोई शौक ना है लिखने का, कोई शौक ना है, मैं ड्राइंग पेंटिंग का शौक हा क्योंकि मेरे फादर साहब जड़े है ना वो एक ड्राइंग मास्टर है रायपुर स्कूल च। ठीक। तो रायपुर स्कूल बिच गया वो उन्दे भी जेड़े कुछ अंश जेड़े वो मेरे च लभदे न, क्योंकि मैं दसवीं तोड़ी तकरीबन पेंटिंग का बड़ा शौक हा। जिस वेले मैं कॉलेज पुज्जिया तो उत्थे साथी होर होइए, ते कॉलेज दे बिच जिस वेले पढ़ते हे मेरे कन्नै साथी केईं बोई भी गए। ठीक। बोइया जिस वे तो अस कुआरे रहे क्योंकि फादर साहब की डैथ बड़ी छोटी एज से हुई, मैं उस वे अठवीं पढ़ता हाँ। अच्छा। तो वह सारिया मतलब मुश्किलात साढ़े उपर गई, तो मैं कोई 28-29 साल का होता तो मेरा मतलब मैरिज नहीं होती है, तो मैं पहला पहल जी कविता लिखी अपने पर गई लिखी। अच्छा। तो वह कविता जल्द मैं सुना ब्याह जाना तो सुनानी, तो वह लोगों बड़ी सराही मेरी वो कविता, जिस वे कविता सराही मेरी, तो वो बाद होया कि दौर चली पिया कप्तन का बल्लें बल्लें। फिर मैं कॉलेज में साढ़े कुलदीप सिंह जिंदाइया और होंगे होंगे हैं, तो वो साढ़े किस्म के दोस्त भी है, तो पहले वो लाइब्रेरी ने उसके बाद लैक्चरार बने। ओके। तो वो साढ़े मतलब लैक्चरार भी बनी है, तो थोड़े दोस्त भी है, उनकी असें कविता सुननियां उन्हें सुनानियां बड़ा कुछ करना, तो उन्हें दिखी दिखिए थोड़ा जहा असें भी जागृति आई गई, थोड़ा इ'यां लिखने का शौक पी गया, तो वह लिखना अहें शुरू करी ओड़िया। दिनों पाए पंत होंदियां सुनते होंगे कविता,
ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ 2009 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਸੋਹਰੇ ਉਹ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਇਓ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਖ ਲਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਟੈਲੈਂਟ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਗਾੜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖੀ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਬੜੇ ਲੁਪਤ ਹੋਈ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲੇ 2014 ਕੋਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਕਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਛੱਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਸੇ ਗਰਾਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂ ਛੱਜਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਗਤ ਹੋਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦਾ ਹੋਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਮੀਰ ਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਮੰਗਣੀ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀ ਵੁੰਡੀ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਛੱਜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਛੱਜੇ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਗਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 2014 ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਛੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ 5-3 ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਜਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਆ ਸੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਫਿਰ ਰਜੇਸ਼ MLA ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2015 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸੋਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਢੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਢੋਲੀਏ ਤਾਸ਼ੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਡਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਉਹਨੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸੋਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਡਨਾਰਸ ਵੀ ਅਤੇ ਢੋਲੀਏ ਵੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਗਲੋਲ TV ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਡੀ ਬਚਦੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੇ ਰਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਸੋਰ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੇ ਰਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੁੱਜਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੁਪਤ ਹੋਈਏ ਦੇ ਨੇ
जो ने आहे रिवाइव करने दी कोशिश करा लिया। इन्ना को मैं ध्यान सिंह जी उन्दे कन्ने भी मिलिया हा, तो उन्दे कन्ने भी मेरी ये कन्वर्सेशन चला ही। तो आई जाइए मैं एक गल्ला पर, मतलब जो मेरी समझ आई है कि आजकल साड़ा अपना इंटरेस्ट जेड़ा बहुत घट है साड़ा, मतलब डुगर प्रदेश का जेड़े आहे अपने डोगरी लोग हाँ, आहे अपनी चीजें पर थोड़ा घट फोकस हाँ करा दे, रादर दैन आहे बाकी चीजें पर फोकस हाँ करा दे। जिन्ना बाहर दे त्यौहार हो ये बाहर जिन्ना क्रिसमस डे हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिसमस दी सेलिब्रेट करते सब घर वो निकला देना, सब मतलब बाहर फिरा देना, मतलब पूरा सेलिब्रेट करा देना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अगेंस्ट है कोई कोई किसी पर्टिकुलर और फेस्टिवल दे, लेकिन आखने मतलब कि सर जिन्ना आहे अपने घर अपनी जिहड़ी चीजां ना उन्हें भुलदे क्यों जा रहे, मतलब ऐसा के रीजन तुसी लगदा है कि साढ़े पिछे जाने का रीजन है? साढ़े साड़ी अपनी कमजोरी है, अस आने वाले बच्चे ही दसदे कि नहीं है भाई साड़ा मतलब के है पिछला संस्करण के है साड़े, अस के करना चाहिए कियां, वह सब कुछ आपे गै भुलिए ते अग्गे आने वाले बच्चे के पता लगदा भाई के अग्गे दिवाली दा त्यौहार हुंदा जी ते दुकाना जेड़ियां ही अद्धा अद्धा बाजार मली लैंदी हुंदियां मिठाई वालियां दुकाना इन्नियां सज्जी दियां हुंदियां बिल्कुल, बाकी दुकाना जेड़ियां खलौने वालियां दूए त्रीए जां सज्जी दियां हुंदियां कोई उन्हें पुछ पड़ताल नहीं होंदी। अजकल थोड़ा जिहा फर्क पई गेदा दुकानदार थोड़ा थड़ा भी अग्गे करे तां भी वह म्युनिसिपैलिटी वाले उन्हें तंग करगन जां होर आलियां तंग करगन, लोग तंग की कि उस वेलै क्राउड इन्ना वधी गेदा, गड्डियां इन्नियां होई गेदियां, मोटरसाइकिल साइकिल स्कूटियां इन्नियां होई गेदियां कि बाजार च लंघना बड़ा मुश्किल होई जांदा। अजकल दिक्खो हुण घरां च उत्थे दा त्यौहार आउणा ते साडा फत्तू चकान है मेरा मतलब पालन पोषण जिहड़ा उत्थे होया, कालेज दी पढ़ाई भी उत्थे होई, फत्तू चकान गै रौंदे रहे। उहदे बाद ब्याह कीता मैं 1979 ते ग्रां आया, नहीं ते पहला जिहड़ी मेरी पढ़ाई शुरुआत दी जां कालेज तक उत्थे गै पढ़ी। अज उस बाजार विचा लंघना बड़ा मुश्किल होई जांदा, उत्थे जेल्ले मेहंदी आले पौंदे मेहंदी लुआने आलियां जेल्ले लेडीज आउंदियां कुड़ियां आउंदियां बच्चियां आउंदियां ओह बाजार मतलब तुसें लंघना मुश्किल होई जांदा। ते कुसै टाइम बिच उस बाजारा बिच ट्रक आउंदा होंदा हा, अच्छा लकड़ी दा ट्रक आनियां टाल हे उस बाजारा च, अच्छा ते अज उत्थे स्कूटी क्या तुसें पैदल चलना मुश्किल होई जांदा। एह भी थोड़ी जी असें मुश्किलात आई है, बाकी त्यौहार असें बड़ी धूमधाम कन्नै मनाने चाहिदे। हुण दिक्खो असें महाराजा हरि सिंह दी छुट्टी मिली गई है 23 सितंबर गी उंदा जन्म ध्याड़ा आवा दा ते बड़ी खुशी है, इक डोगरें गी इक बड़ी बड्डी मतलब अचीवमेंट होई है साढ़े आस्तै कि असें छुट्टी आस्तै बड़ी जद्दोजहद करदे रहे हैं, लेकिन अज्ज में उनेंगी मुबारकबाद दिन्ना हैप्पी सोहरे जिन्हें बड़ी दौड़ भज करियै इन्नी जद्दोजहद करियै और लोकें दे घरें घरें धोड़ी पुज्जिए, अवाम दे जिस वेले कोई गल पुजी अवाम भी उंदे कन्नै साथ दित्ता, पूरे डुग्गर प्रदेश ने उंदा साथ दित्ता ते अज्ज असें छुट्टी दे हकदार बने। और एह असें हुण उंदा जेहड़ा जन्म ध्याड़ा ओह भी असें इ'यां मनाना चाहिदा जियां दिवाली जां ईद लोहड़ी मनाने आं, इ'यां गै उंदा ध्यार मनाना चाहिदा। बिल्कुल बिल्कुल, महाराजा हरि सिंह हुंदी कॉन्ट्रीब्यूशन दे बारे तुसीं अगर जानना चाहते हो तो अहें ब्रिगेडियर साहब दा भी एक इंटरव्यू किया है तो उसी चैकआउट करी सकते हो, और तो जान गए कि ऐसा के साड़ी कंट्री चला है जड़ा महाराजा हरि सिंह ने अपने टाइम आजादी के पहला ही अबॉलिश किया। तो देख गए जान गए तो उनकी अचीवमेंट के बारे प्राउड फील हो तो तुम प्राउड डोगरा भी बन गए। इन्हें अहें वापस आना चाहते अपने त्यौहारों पर सर, इन और कि त्यौहार ने जो लगता कि लुप्त हो गया त्यौहार हाँ, होली का त्यौहार बड़े मतलब भरजाइया देर बड़े इं ओह मनांदे हे इ'यां मतलब खुशी कन्नै मनांदे आपे बिच्चें माहौल करदे कोई बुरा नहा मनांदा, लेकिन अज्ज उस त्यौहार गी भी अज्ज भी रंग रुंग लोग सुटदे न सब किश करदे, लेकिन ओह जेह्ड़ी चीज़ ही ओह नहीं लभदी है कि अज्ज केइयें उ'नें पैह्लों गै आखी ओड़दे भाई कोई जबरदस्ती कुसै होर नहीं करै एह नहीं करै, अज्जकल फलूस मारना शुरू होई गेदे गड्डियें बिच्च फलूस मारदे न कुसै लग्गी जा कुसै अक्खा ही लग्गी जा, लेकिन उस टाइम बिच्च एह जेहियां गल्लां नहीं हैन। उस वेले ये पिछकारियां अजकल पैसे की दौड़ हो गई चीजा बड़िया आई हैं, लेकिन वह प्यार माहौल जोड़ा वो नहीं लगता है, भाबियों देर की इन्नी होली होनी लेकिन कुसै ने बुरा नहीं मनाते हैं। अज जोड़ा है अज कोई जाता भी वो उन्हें कपड़े अच्छे पाए तो होंगे जो वो सोचता भैं कोई रंग सुट्टी उड़ो झगड़ा हो गया, इस करिए मतलब त्यौहारें की उकड़ी जी खुशी ही ना वो नहीं रही है।
मतलब ये भी है कि सर जिन्ना हुन लोग अगे पिछे दौड़ा इन्हें कैपिटलिज्म की दौड़ च आई है अपनी बेसिक वैल्यूज भुली इन्हें आज के दौर च अगर सर अहें आखिए ते दुनिया च हर साइड ही त्राही त्राही मची दी है जी जी। और इन्नी त्राही दिखने बाद भी उन्हें आने तुंदे पर वापिस की तुहें किन्ना सर फिर भी हास्य व्यंग च तुहें अपनी कविताएं लिखने हो तो इस जॉनर दी सब तो पहला क्यों चूज कीता? देखो ये मैं कोई चूज नहीं कीता कि होता ना पिक एंड चूज जी जी ये मैं जो अपने अगे पिछे दिखना ना बस उन्हें मैं बुनी बानिया दे कोई दरेड़ी दरूड़ी दे सीधा पदरा करिए तो एक कविता बनाइए थोड़े अगर पेश करना तो तुम लोग आखिर हाँ जी हास्य व्यंग है। पहला जिस वे मैं कविता लिखना शुरू की मैं भी नहीं पता भाई हास्य व्यंग होता की है व्यंग कुछ ही आखते हैं जी है जिस वे भी पता लगी है फिर मैं थोड़ा जहा जरूर टाच करता हाँ भाई एक एक मैसेज भी लोगों ही जा और लोगों ही मजा भी आवे लेकिन एक पता भी लगे कि वाकया यार ये गलत है या ठीक है वो मेरा कोशिश होंगी है कि जरूर लोगों तोड़ी वो गल पुजनी चाहिए जी सी इस वे बीता दी है कुछ कने अच्छी बीता दी तो अच्छी गल की जाती है जे कुछ कने दुख होवा दा जां कुछ तंगी पुजा दी है उसकी तंगी उजागर करने वास्ते जां कोई सरकार कोला कोई चीज़ा नहीं लब्भा दियां नौकरियां जी नहीं लब्भा दियां उहदे बारे च लिखो जां जियां शराब हुण घर घर ठेके खुली गए उहदे बारे च जियां टोल प्लाजे खुली गए इंदे मतलब जो भी मी लभदा ना जां कोई बड़ा शराबी आई जांदा महल्ले आला ही तंग करी ओड़दा उहदे उप्पर जां अपनी घरवाली उप्पर ज़्यादा मैं अपनी घरवाली उप्पर लिखी हां फिर मैं उसी सुनाना भी है की के उसी सुनाइए ते फिर मैं अग्गें करना भाई पास होई आ ते फिर मैं आखना चलो जी लोकें तोड़ी पुज्जा वो लोकें भी मजा आंदा सुनने दा की के उंदी होई बीती हुंदी है जेल्लै कुसै दी होई बीती आखदा यार मेरे कन्नै वी इ'यो होआ इस करके सुनने आह्ले ही मजा आंदा ते सुनाने आह्ले ही ते मजा आना गै आना ते जिस वेलै ओह् गल लोकें तोड़ी पुजदी चलो लोकें तोड़ी होर पुजदी ते ओह् जेल्लै खुश होंदे साढ़ा मन भी खुश होंदा ते चलो अस कुसै चाल्ली लोकें गी खुश ते करा लैन कोई साढ़े कोला दुखी ते नहीं है इस करियै अस लिखते रौह्ने आं भाई चलो कुसै दा जियां हुन अस्पतालें बिच्च लोग किन्ने तंग होए दे ओह् असें जेल्लै दिक्खने आं असें ओह् आई जंदा भाई चलो इं'दे पर बी लिखो मतलब स्टूडेंट्स जियां बच्चे जा दे न हुन बच्चे जेह्ड़े प्राइवेट स्कूल पढ़ा दे न किश गौरमेंट स्कूल बी पढ़ा गौरमेंट स्कूलें दी हालत केह् है प्राइवेट स्कूलें दी हालत केह् है एह् मतलब चीज़ां दिक्खी दिक्खी इं'दे पर गै राजनीति हो दी है जेह्ड़ी उं'दे पर आई जंदा भाई हां राजनीति लोग जेह्ड़े करा दे पढ़े लिखे दे जेह्ड़े डाक्टर न इंजीनियर पढ़े लिखे दे लोग उं'दे पर राजनीति करने आह्ले कौन लोग फिर उ'नेंगी बी असें थोड़ा उजागर करने आं भाई एह् लोग दिक्खो ते ओह् लोग दिक्खो जेह्ड़े हुक्म करा दे न उं'दे पर करा दे जिनें डिग्रियां लेदियां मास्टरियां कीतियां उं'दे पर कौन लोग हुक्म करा दे जेह्ड़े मतलब उं'दे कोला समझी लैओ कि दुए दर्जे दे होङन जां त्रिये दे होङन ओह् हुक्मरान इस गल्ला मतलब साढ़े दिलै च आंदा नहीं ये भी लिखो इं'या बस अस लिखते रौह्ने जिन्ने भी सर तुसें हुण टॉपिक पर गल करा है तुसें वैरायटी ऑफ टॉपिक दे बारे डिस्कशन कीती तो वैरायटी ऑफ टॉपिक दे बारे जानते जानते मी ये लगे कि लगभग तुसें सोसाइटी दे साडी अपनी डुगर सोसाइटी दे जिन्ने भी मेन मुद्दे ने वो सब तुसें कवर करी ले जी जी ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਸਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਜੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਜੀ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੁੱਜਦੀ ਵੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੁੱਜਣੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟੀ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਭਾਈ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ
और मैं तो चाहना कि सोशल मीडिया का जिन्ना अस शुक्रिया अदा करी सकचे उन्ना घट है। बिल्कुल सर, इन्हें जिन्ना आदे हर टेक्नोलॉजी के हर चीज के दो पहलू होंगे ना, इन्हें के सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव पहलू है उसी अहें देखिए तो उसी अहें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अज जी भी इनफॉर्मेशन साढ़े को अवेलेबल है वो सोशल मीडिया के माध्यम तू गए। इन्ना के सर अहें अज हुण वापस आना चाहते हैं कि तुम्हारी कविताएं हैं पर आवाज नहीं दसदे अज तुस देखो किन्नी देर दे बेचारे डेली वेजेस बैठे पीएचई आले जां दूए होईए लेकिन कदे जेड़े बड़े मीडिया वाले कदे उनकी खबर नहीं लाई है और तीन तीन महीने होइए बेचारे बैठे दे क्या वो रोजी रोटी के हकदार नहीं है। उन्हें भी बोले ये गौरमेंट ने सोचना चाहिए कि अज 8-9 हज़ार रुपया होंगे की है। बिल्कुल 8-9 हज़ार कन्ने बच्चे पढ़ाने का पूरा खर्चा चली जाता की कि अजकल वो तो फैसिलिटी तुसें दी नहीं है कि ग्राएं बिच गै तुसें कंप्यूटर तुसें हर चीज उन्हें स्कूलें च लभी है सरकारी स्कूलें जो प्राइवेट स्कूलें लभदी है लेकिन वह इतने मिलती नहीं वह दसदे नहीं हैं। तो अज डेली बेसिस आए बेचारे सड़कों के उत्ते होंगे कई तो सुसाइड करिए कई बेचारे इं मरी ये चीज़ा भी जेडे बड़े मीडिया उन्हें हाईलाइट करनी चाहिए और दुनिया ही पता लगना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में यह भी लोग हैं जो बेचारे अज 9-9 हज़ार लै रहे और दिने राती डिप्टियां दे रहे दुख आता। सर तो ही के लगता है कि बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे टॉपिक्स सेंसिटिव टॉपिक्स दी जेडे लोगों दे हक दे टॉपिक ने उन्हें क्यों नहीं कवर करते मतलब जब उन्हें पता है कि ये जनता जेडी आए के ते समझना कि इन पर कोई प्रेशर होता है। ओके की के इन्हें भी कई वो मिलती ने एड्स मिलती ने वो सदा सरकार इन एड्स बंद कर दे कई सोर्स होंगे होने जो जिस वजह के वो इन्हें उजागर नहीं करते हैं। अदरवाइज मीडिया का काम गया ही होंगे कि कुसै की जो कुसै की मुश्किलात है अगर हॉस्पिटल च है जां कोई दफ्तर च है उसी हाईलाइट करना चाहिए लेकिन इन्हें अज छुट्टी दी देखो किन्नी दौड़ की उन्हें मुड़े बेचारे कढ़ी लेकिन कोई मीडिया जेड़ा बड़ा मीडिया है उन्हें बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया। अज डेली बेसिस आए जो पीएचई दे जां दूए त्रीए कोरोना काल से जड़िया बेचारियां बेटियां ही अस्पतालें काम कर दिया रही अज मीडिया उनकी कोई गल ही नहीं करता है। उन्हें मीडिया ने इनकी गल भी करनी चाहिए जियां अस करने अस कुसै दे पाबंद नहीं अस लिखने जो साढ़े पर कोई एक्शन लैना हो तो लैता जा लेकिन अस सच्चाई लिखने को टलते नहीं है। मी जो दिला च लगती है कुसै दी अगर दुख बुझाउंदा ओह मैं अपना दुख समझना बस उस दुखा में अजहार भी करना अगर खुशी है तो खुशी की गल भी करनी है क्योंकि ये गल्ला अस नहीं करके तो कौन करे। बिल्कुल ये गल्ला मैं चाहना कि जेडे बड़े मीडिया ने इन्हें भी दसनिया चाहिए वो बड़ी बड़िया गल्ला दसदे ने जड़िया बड़े बड़े लोगों के जुड़ी दी होनी है लेकिन जी ग्रास रूट के लोग जुड़े दे उनकी गल भी तो इन्हें हाईलाइट करनी चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना सर यह है कि जड़ा बंदा अपने ग्रास रूट लैवल दी नहीं देखा है तो उपर भी ज़्यादा पुज ही नहीं सकता और अगर पुज भी गया तो उन्हें आइए एक बार डिगना जरूर है तो ताइया ही पहला अपने जो बेसिक ने जो अपने मतलब प्लेंथ है जो उसी स्ट्रोंग करना चाहिए फिर अं उपर निकलना चाहिए ताकि साड़ी बिल्डिंग हमेशा स्ट्रोंग रहे। चलो थोड़ी अच्छी सोच है ऐसा होना भी चाहिए मीडिया का फर्ज बनता तो मीडिया होंगे किसी वास्तव इस वास्तव होंगे भाई कुसै की तकलीफ जी है उजागर की जा सरकार तक पुजे तो सरकार फिर वो एक्शन लिया तो फिर गै पता लगी सकता क्योंकि सरकार भी एक ऐसी चीज़ होंगी है कि उसी हर गल्ला थोड़ी पता होंगे भाई क्यों आ रहा बिल्कुल उसी भी कोई सुना जा दिखे ता गै पता लगता सरकार की कि हाँ भाई उनके कहने के बीता जी फिर सरकार कोई एक्शन लै तो थोड़ा बड़ा बड़ा रोल हों और अस थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करने कि तुम लोग रोल निभाते भी आओ। ठीक सोशल मीडिया जरा बड़ा अच्छा रोल निभा करता अज की डेट च। ठीक सर इन्ना का सर मैं एक मेरे दिमाग च थॉट आई कि जिन्ना साड़ी हुण भाषा है साहित्य पर तो बंदे काम कर रहे जिन्ना तुसीं भी लिखा दे हो लेकिन साड़ी भाषा जिन्ना सर उहदे पर बड़ा घट काम होआ दा फॉर काम इन द सेंस कि जिन्ना अपने एक एक घर ही अगर अहीं इंडिविजुअली प्रस्पेक्ट करिए तो उत्थे अहीं देखिए कि अजकल हिंदी दा गै बोलबाला है या लोग प्रैफर करदे कि साढ़े बच्चे इंग्लिश बोलिए इंटरनेशनली कंपीट करन इहदे च कोई बुरी गल नहीं है मतलब मेरे ख्याल च कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अहीं हिंदी नहीं आनी चाहिए इंग्लिश अहीं हिंदी भी आनी चाहिए इंग्लिश भी आनी चाहिए और कन्ना कन्ना अहीं अपनी मदर टंग डोगरी भी आनी चाहिए
बट मी लगता कि हर घर च डोगरी ते प्रेम जेड़ा थोड़ा घटी है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? गल ये कि ऐसी गल भी नहीं है, हम अस डोगरी बोलने हैं जी, मेरा पोतरा है, मेरिया नूहां ने, बच्चे हिंदी बोलते, अंग्रेजी बोलते, लेकिन डोगरी मैं बोलना तो मेरे कहना कुदरती डोगरी बोलते, जिस वेल मैं गै नहीं बोलन तो मेरे बच्चे कुत्थों बोलने? ये साढ़े च कमजोरी आई है, आने वाले जेड़े बच्चे ने इंदे च कमजोरी इस करिए आई कि असें डोगरी बोलना शुरू छोड़ी ओड़ी, हूँ असें कोई हिंदी नहीं गै आती जां अंग्रेजी नहीं गै आती, आती असें शुरू जेड़े मास्टर असें पढ़ाते हे ते मैडमां जेड़ियां पढ़ांदियां अस उ'नें भैन जी आखदे हे, भैन जी करियै बुला, अजकल सर आई है ना सर मैडम आई है ते उस वेल्लै अस भैन जी गै आखदे, मास्टर जी एह् सोआल नहीं आंदा जां भैन जी असें सोआल नहीं आंदा, ते उस वेल्लै ओह् डोगरी च गै पढ़ांदे हे असें, डोगरी च पढ़ाने कन्नै असें समझ बड़ी अच्छी आई जंदी ही, ते ओह्दे बाद जिसलै हिंदी आह्ले हिंदी पढ़ांदे हे ते हिंदी समझ आई जंदी, अंग्रेजी आह्ले जिसलै अंग्रेजी पढ़ांदे ते अंग्रेजी समझ आई जंदी, ते ओह् असें गै थोह्ड़ा जेहा इ'यां क्रेज बनाई लेई जेह्ड़ा हिंदी बोलदा जां अंग्रेजी बोलदा ओह् अस इ'यां समझने भाई एह् इक बड्डा बड्डे घरा दा जां ते बड्डी ओह् पढ़े लिखे दा, ओह् असें अपनी बोली गी इ'यां थोह्ड़ा जेहा इग्नोर करी ओड़ेआ। तो दिक्खो कश्मीरी कश्मीरी जित्थै बी मिलग, दिल्ली बम्बे कुदै बी कश्मीरी बोलो, बंगाली बंगाली बोलो, पंजाबी पंजाबी बोलो, एह् असें बमारी है। तुस दिक्खो बाहर दे जिन्ने भी इत्थै आए दे ओह् डोगरी बोला दे, अस उं'दे कन्नै हिंदी बोला दे, अज उस वेल्लै दुकानदार सारे डोगरी बोलदे बड़ी अच्छी, हून अस दुकानदार कोल जन्ने ना लै ये दस्सेआ के है कौन सी लेनी है, दुकानदार गै हिंदी बोला, मतलब गाह डोगरी बोला दा दुकानदार हिंदी बोला, हून अस डोगरी बोलचै डोगरी अपने आप कोई कोई नट्ठी थोड़ी गेदी जां गोआची थोड़ी गेदी, भद्रवाह तो जाओ भरवाई बोलदे ओ, जम्मू आंगन भरवाई बोलगन, कश्मीरी जम्मू आंदे अपनी ओह् कोई हल्का पन थोड़े महसूस करदे, ओह् फकर करदे कि अस कश्मीरी बोला दे आं, जां पंजाबी पंजाबी तुस दिक्खी लैओ जिन्ने भी साढ़े उं'दे मंत्री न जिस वेल्लै कोई भाशन दिंदे न ओह् अपनी पंजाबी च दिंदे, तुस दिक्खी लैओ बाल ठाकरे दा जेह्ड़े ओह् मुड़े बोलदे ओह् अपनी मराठी च बोलदे, लेकिन साढ़े आह्ले जिस वेल्लै डोगरी चैनल आह्ला पुच्छा दा कि दस्सो महाराज जेह्ड़ी तुस मीटिंग करा दे हो ओह् हिंदी बिच्च जवाब देआ दा, ओह् है डोगरा, डोगरे साढ़े इत्थूं दे रौह्ने आह्ले लेकिन डोगरी नहीं बोलदे, हून एह् नहीं बोलदे जिस वेल्लै ते ओह् बच्चे बी नहीं अग्गें बोलदे, अस बोलगे ते बच्चे बी बोलगन, जेल्लै बच्चे बोलगन ते अग्गें उं'दे बच्चे बी बोलगन, ते डोगरी कोई खतरा गै नहीं होंदा। अज्ज डोगरी संस्था दिक्खो उ'नें किन्ना कम्म कीता, ओह् डोगरी च जिन्ना कम्म डोगरी संस्था ने कीता मेरे ख्याल कुसै नहीं कीता, खासकर में एह् बी जरूर आखंग कि साढ़े प्रोफेसर ललित मंगोत्रा होर जेह्ड़े इस वेल्लै बी ओह् प्रेजिडेंट न उत्थूं दे, उ'नें बड़ा बड़ी दौड़ धुप्प करियै डोगरी च बड़ा किश कीता, जेह्ड़ा एह्दे च आंदा उ'नें इसी चैनल च लेआंदा जां यूट्यूब च लेआंदा जां होर जो भी होंदियां इंदियां शाखा उसी मतलब उ'नें बड़ा हाईलाइट कीता। शशि पठानिया होर बेचारियां अमेरिका च बैठी दियां उत्थूं दा बेचारियां करदियां रेहियां ओह् कि मतलब इ'नें लोकें बड़ा कम्म कीता, होर छड़ा एह्दे च बी नहीं कीता कताबें च बी उ'नें बड़ा कीता। अज्ज तुस दिक्खो डोगरी उं'दी मेहनत कन्नै बाकी लोग जेह्ड़े जुड़े दे बाकी संस्थां जेह्ड़ियां जुड़ी दियां उ'नें मेहनत करियै अज्ज डोगरी जेह्ड़ी है शड्यूल अठमें शड्यूल च आई दी ना, हून उ'नें मजबूर करी दित्ते दा कि हून जेह्ड़ियां डोगरी दियां कताबां स्कूलें बी लग्गी जाने कताबां त्यार करी ओड़दियां, बड़ी मतलब हिम्मत दी गल्ल ऐ, ते हून डोगरी मेरे ख्याल च कुछ दिनें जां कुछ म्हीने च ओह् डोगरी स्कूलें कालजें च लग्गी जानी, जेल्लै डोगरी कालजें स्कूलें लग्गी ते अपने आप डोगरी बोलना शुरू होई जानी। सर इत्थूं पर मिगी चेता आया कि जिन्ना अस भाशा की गल करें डोगरी की, तो डोगरी भाशा पर पहले भी एक दो तीन बार ऑर्डर आए थे कि हाँ जी स्कूल एजुकेशन च इसे इंड्यूस करो प्रॉपर टाइप पर इंड्यूस करो, लेकिन अज 2022 पहला ऑर्डर आया है 2002 अज 2022 मतलब 20 साल लगभग हो गए ना, तो अज अस इस मुकाम पर पुजी पाए कि अस श्योर हाँ कि हूँ किताबा बनी गई ना, तो हूँ अस स्कूल च जाइए मतलब बच्चे पढ़न गए, तो 20 साल एक सर लंबा दौर है, अगर 20 साल मतलब अस इसे जद्दोजहद च गै लगीए तो साढ़ा मतलब जिन्ना 20 साल एक बहुत बड़ा टाइम है जो साढ़े कई आर्टिस्ट उभरी सकते हैं। मेरा आखने मतलब है कि ये सरकार की तरफों तो घट है गया ना और सपोर्ट मी लगता है इन्ना, लेकिन साढ़ा अपना जेड़ा इंडिविजुअल रोल है ना डोगरे लोगों का ओरा थोड़ा कुदा ना कुदा पर्सनैलिटी कंपलैक्स है। देखो मेरे ख्याल च हुन लोकें जागृति आई गई है जी की के असें जो भी जम्मू वास्तै लिया लड़िए गै लिया ठीक,
हड़ताल करियै लिया, जद्दोजहद करियै लिया, हर चीज असें जद्दोजहद करियै थ्होई। अज्ज छुट्टी दी गल्ल करो, जिंदी स्टेट ही जी, जिंदा इक नां हा, ओह् छड़ी स्टेट गै नहीं जां छड़े राजे गै नहीं, उ'नें कम्म कीते दे न, उं'दे कम्म बोलदे न। अज्ज भी उं'दे जेह्ड़े कम्म, जेह्ड़े ओह् कम्म करियै अज्ज जेह्ड़ियां सरकारां बनियां ओह् अज्ज करा दियां, जेह्ड़े ओह् उस टाइम च करियै गेदे। ते हून लोकें गी, ओह् जम्मू दे लोकें गी हून जागृति आई है। मी मेद है कि हून उस जागृति लोकें कायम भी रखना और इक योग्यता भी रखनी, और ओह्दे कन्नै एह् डोगरी दी कोई बड़ी है ते बड़ी बड्डी गल्ल है, लेकिन हून बड़ी गल्ल नहीं रही। जियां लोकें गी प्रेरणा जागी है, ओह् डोगरी स्कूलें बिच्च मेरे ख्याल थोड़े दिनें जां म्हीने बिच्च लगी जानी है, शुरू होई जानी है। कताबां बनी दियां पेदियां न। हून एह् दिक्खो, जम्मू दे असें MLA बनाए हैं, इंदा फर्ज बनता हा जेल्लै मिनिस्टर बनी गे दूए त्रीए, इंदा फर्ज बनता हा कि असें हून एह् डुगर चैनल दिक्खो इस वेल्लै जेह्ड़ा नहीं असेंगी दित्ता जा करदा। अज्ज असेंगी कल हड़ताल करने पेई है उन्हें कलाकारें, की के जेह्ड़ा इत्थे कोई ऐहा उसी ओह् इत्थों दा चुक्कियै ते शिमला लिया करदे, उन्हें प्रोटेस्ट कीता कल जानिए। मोहन सर भी आए ओह्दे च और बाकी भी आए, ओह् प्रोटेस्ट इस करियै कीता कि इत्थों उसी बंद करियै ते शिमला लिया दे, ते उन्हें प्रोटेस्ट कीता कि नहीं भाई इत्थे रौह्ना चाहिदा, अस जेह्ड़े इत्थों दे रौह्ने आह्ले आं, असें कुत्थें जाना। ते दिक्खो हुन केह् बनदा। सर मेरा तो मानना यह है कि असें लोगों की अपनी तरफ तो यूनाइट होना पौना है, असें अपने लैवल पर ही ये चीज़ें पर सोचना पौना, फोकस करना पौना है, अदरवाइज बाकियों के सिरे पर असें ज्यादा देर तक नहीं बैठी सकते कि वह करनगे, सरकार असें सपोर्ट दे, असें आपू गै कुछ ना कुछ करना पौना। इन्ना गै सर असें अगर गल करिए लिटरेचर पर आइए हम वापस, कि लिटरेचर पर सर बहुत सारी किताबां ने छपी दी डोगरी पर, पहला बहुत घट लिटरेचर हा, लेकिन आज़ादी के बाद जिन्हें डोगरी संस्था ने बड़ा काम किया, उन्हें बहुत सारा इन्ना मोटिवेशन दी आर्टिस्टें कि आर्टिस्टें लिखे आगे, तो किताबा अज भी पेज दी ना, मैं कद दिखना ना अभिनव थिएटर के बाद जी किताब है डोगरी जो है किताब वगैरह उत मिलती है ना, लेकिन उत कद मैं कोई कस्टमर नहीं दिखे, मतलब जिन्हें हम डोगरी MA डोगरी भी है फॉर एग्जाम्पल, कुछ तो बच्चे हैं ना जो डोगरी की परसू करा ना एज कैरियर, जो डिग्रियां कराए ना, तो उनका भी इन्ना घट इंटरेस्ट क्यों है, मतलब ये क्या रियलिटी है कि पहले जरा है ना लोगों को पता है डोगरी पढ़ के अगर फ्यूचर कोई ना है। ठीक, हूँ देखो हूँ यदा फ्यूचर हो जल्द 8वें शुरू चाहिए, कल लैक्चरार भी लगने, कल मास्टर भी लगने, हूँ बच्चे थोड़ा जहा शौक भी पाना कि नहीं डोगरी भी पढ़ो भाई, ये भी कुछ नौकरी का जॉब मिलने के चांसिस बना करते, इं ट्रांसलेटर चाहिए होंगे, वह छड़े इतने नहीं चाहिए होंगे, सेंटर से भी चाहिए, डोगरी खबर जीडिया दिल्ली का पढ़ते गए पढ़ते हैं, मतलब थोड़ा जहा वाधा होंगे जाना ना जी। इं मतलब जिस हम डोगरी पढ़ने बच्चे डोगरी की BA करन, डोगरी की MA करन, फिर पहले दिखो छड़ी PhD करने वास्तव डोगरी ही है, तो 10वीं 11वीं 12वीं कख भी नहीं, BA कोई डोगरी है नहीं, तो हूँ वो मतलब जल्द स्टार्ट को डोगरी लगी गई ते उहदे च फिर जॉब भी निकलने, बच्चे शौक भी पाना पे चलो यार ये नहीं तो ये कर लेने, तो वह कुदरती गल है जिस वेल्लै कोई चीज़ा अगर फ्यूचर लभदा वा ना तो वह शौक पाउंदा बच्चे। तो लिटरेचर की गल है कि कताबां इन्नियां छपा दियां ते इन्ने लिखने वाले लोग होई गए जी, पढ़ने वाले बड़े घट, बिल्कुल, क्योंकि जिहड़ा है ना अपना मोबाइल इन्हें सारा कुछ के वो खत्म कर ओवरराइड करी ओड़िया, ठीक है जेड़ा बच्चा देखो बस मोबाइल च लगे दा, पहले लोग तुसें पता नावल दी दुकानां होंदियां, लोग किराए पर नावल लैंदे ते पढ़दे, ठीक है, और सोर्स कोई ना है, ते बच्चे बड़े जिस वेले दिक्खा दे के करा दे पढ़ा दा, बाद दे पता लगदा भाई पढ़ा दा नहीं है नावल है पढ़ा दा, ते उस वेले बच्चे ओ मारा भी पाउंदियां हुंदियां, पर उन्हें शौक हुंदा नावल पढ़ने दा, जां सप्ताहिकां निकलदियां हुंदियां, हूँ दिखो ना कि खत्म हो गई, नावल दकान खत्म हो गई, नावल हैन अज मुफ्त जो किताब छाप दे बेचारे मुफ्त बंटते हैं अपनी किताब, चाह भी पिलाते मठियाई भी खिलाते किताब भी बंटते, लेकिन पढ़ने वाले नहीं लगते, इस करिए उन्हें बल्ले बल्ले शौक पाने पौना, की जे किताबा बच्चे ऐसी रुचि बनाने पौनी जे किताब जिस वे पढ़ लगे तो उसकी रुचि बनी जा, उसी ओदा मन लगी जा पढ़ते पढ़ते, फिर वह जियां रामायण है, रामायण दिक्खी जिसलै TV च आई है तो कोई घर ना लभदा होंदा,
सारी दुनिया अपने अंदर बड़ी रमाई दी कैसा उन्हें एक माहौल बनाया बिल्कुल। फिर महाभारत आई इंया भी असें कोई कताबें च रुचि तैयार करनी पौनी कि जेड़ा बच्चा एक बारी एक पेज पढ़े फिर वह मन गया दूआ पढ़ा त्रीआ पढ़ा इंया वो रुचि बननी है दिखो सर आए तो चाहते हैं कि उन किताबें जड़ियाँ ने किताबें पर बच्चे का ज़्यादा फोकस हो क्योंकि किताबें एक परमानेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ने जड़ियाँ है पास ऑन करी सकते हैं अपनी जनरेशन की। अज साढ़े को जड़ा इतिहास है मतलब जड़े असली इतिहास है बड़ी चीज़ा देखने गुम ही चुकी दी ने तो उस वजह करना अज अज फिर सफर करना पवा है अज अं फिर जीरो तो शुरू ही अगर निकलना पवा है इन्ना गै किताबें का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसायटी और मैं अर्ज करना सारी जनता की कि जब भी तुम्हें टाइम मिला पढ़ने जरूर कोशिश करो नॉलेज कदे भी कोई दी वेस्ट नहीं जाती अज नहीं तो कल तो कदे ना कदे काम जरूर आएगी तो नॉलेज के बारे बंदे दी हमेशा एक ओपन माइंड तू दिखना चाहिए। इन्ना गै सर उनकी किताब पर चलने जी सर उन्हें भी किताब लिखी है पहले एरे बारे थोड़ी जानकारी लैने। मैं एक किताब लिखी 2009 कौड़ियां सचियां ठीक है उसके बाद में एक लिखी कौड़ा सच ठीक एक मेरी गीते की किताब तैयार हुई दी पेदी है ठीक ते वो सी छपाने असें एक पैसे चाहिए होंगे 40,000-50,000 रुपया लगी जाता 30,000-40,000 रुपया बिल्कुल ओर भी असं मतलब इं बड़ा इं गुंजाइश क्ढनी पौती कई ऐसे राइटर मेरे जिन्हे हैं जिंदे को बेचारे ने बड़ा मटीरियल पेदा घर लेकिन उनके कोई सोर्स नहीं है कोई ऐसा सोर्स बनाए ना भाई चलो जी कोई कोई स्पॉन्सर करी लिया तो किताबा लोगों तोड़ी पुजन तो किताब छपाओ फिर वो करो उत चाह पिलाओ फिर मुफ्त बंडो फिर बड़ा वो हों खर्चा तो इस करिए लोग बेचारे रही जाते तो 2009 में छपाई ही जिस वेल तो उस वे कोई कोई 16,000-18,000 रुपया मेरे ख्याल लगा उस अच्छा। वे मेरी ज्ञान सुन बड़ी मदद की बेचारे कि वो जिन्नी बारी मैं लिखी दी ही असें डोगरी भी आँदी थोड़ी लिखना वो उन्हें सारी जी मतलब करैक्शन जी ही ना वो उन्हें की एक बारी की फिर वो दूई बारी आई फिर दूई बारी उन्हें की त्री बारी भी की फिर चौथी बारी आइए दी फिर एक किताब छपी हूँ एक किताब मेरी कौड़ा सच जी उत्थे पेदी है कल्चर अकैडमी से वो 4-5 साल हो दिते थे अभी तो छपी गए नहीं उन्दे को पेदी कदू छापनी उन्हें कदू नहीं कोई पता नहीं जी वो है गीते वाली है जी ओ मैं सोचा कि हूँ आपे गै उसी कोशिश करा कि आपे छपाई होनी इं कैसे छपाई ही असें राकेश सिंह सलाथी और हे गाने वाले हे गीत मेरे तो लक्की साहिल और हे उसी कंपोज करने वाले वो असें त्रौने जने मिली एक डुगर की शान महाराज हरि सिंह उपर गीत हे गुलाब सिंह के उपर हे ब्रिगेडियर रजिंदर सिंह उपर हे वो असें गीत लिखे दे मैं हे गाए राकेश सिंह सलाथी होरें कंपोज उन्हें किए साहिल लक्की ने वो गीत कैसेट बड़ी चली साड़ी काफ़ी फिर राजपुर सभा ने बड़ी मदद की वो फिर असें लोकें ही फ्री ऑफ कास्ट दी वो पेमेंट उन्हें राजपुर सभा ने की बड़ी घरें घरें वो बजी अज भी मेरा गीत जोड़ा हा जो उन्हें फंक्शन रखे दा अमर पैलेस के अज भी उन्हें सलाथी बदलने गीत गाया ठीक ठीक है तो सर इन्हें तुम्हारी किताब के टाइटल पर आइए अहें तो जिन्हें पहले एक तुम्हें दसा कि कौड़ियाँ सचियाँ तो फिर आखिर कौड़ा सच इन दो फर्क है सर इनका मतलब क्या फर्क देखो जी कौड़ियाँ हमेशा सच्ची गल गै कौड़ी लगती ना बिल्कुल तो असें जिन्या भी गल् की सच्चाई है ठीक वो कई कौड़ी भी लगी होनी है तो कई मजा भी आया होना ठीक इस करिए मैं यदा ना रखे कौड़ियाँ सचियाँ दूआ जोड़ा मैं रखे कौड़ा सच वो भी मेरिया जी कवतान सच्चाई है जड़ी मतलब लोगों ने बीत दी है मैं उ कविता व्यंग करना भी लिखना हस व्यंग करना भी लिखना तो वो मैं आखिया एक कौड़ियाँ सचियाँ हुई है एक कौड़ा सच हुई है ठीक ठीक वो मैं मतलब दूआ टाइटल उसी वो दिते ठीक है तो सर इस किताब का तुम्हें की रिस्पॉन्स मिले पब्लिक तू मैं तुम्हें दसा कि मैं जिस वे कविता पहलो भेजता हूँ शराजा डोगरी शराजा ठीक है तो मी बड़े बड़े दूर का टैलीफोन आते होंगे बटोत मास्टर एक रोंदे बेचारे उन्हें मी टैलीफोन किए इस किताबा ने मी मतलब कठुए के कई कॉलेजें च पजाया कि जे मेरिया कविता उन्दे तोड़ी पुजियां उस वे मीडिया कोई इन्ना ना है तो मेरिया जल्द कविता शराजा च पढ़ते हैं वो उन्हें पढ़नी है तो वह आखिर उन्दिया भी सुनिया जी मैं मतलब कठुआ मैक्सीमम मतलब पढ़ी आए हैं बनी बसोली तक मैं कविता पढ़ी आया भद्रवाह जाइए मैं पढ़ी आया
उत्थें भी साहित्य अकैडमी आह असें लिए मैं तो हिसाब ला लो कि लद्दाख गए अच्छा साहित्य अकैडमी आह असें लिए अच्छा वो प्रोफेसर अपने लतनपुत्रा की बदौलत उत्थें जाइए भी मैं अपन कविता पढ़िया जाइए तो मैं मतलब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिथे मैं जाइए अपन कविता नहीं पढ़िया वो मेरिया कविता जड़िया लोगों धोड़ी पुजदी लोगों की गल होंगी ना जो लोगों धोड़ी पुजती लोग खुश होंगे तो अस मतलब जिस वे कोई मुशायरा या कुदै बड़े जलसे जलास भी अस पढ़ने हैं तो लोगों को पसंद आती है तो इस करके साड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ी जाती ठीक ठीक ये मेरी किताब दी काफ़ी जेडे कविता ही है जी। मेरी एक कविता ही दाज ठीक दाज के उपर मैं लिखे दा है कि दाज लोग आखिर लैने नहीं ओदे बारे जो कविता मेरी बड़ी मतलब बड़ी प्रचलित हुई ठीक ठीक सिर मोर कविता ही उस मेरी इस किताब दी ठीक तो सर उस कविता के बारे थोड़ा दसो अगर इन्नी प्रचलित है तो अहें भी चाहने कि जनता तक ओर बारे थोड़ा आइडिया होगा उन्हें कुछ तो पता चला कि वह भी ए शुरू कर ही सकन मैं तुसें पढ़िया सुनाई ओड़ना ठीक ये कविता है वैसे बड़ी लंबी है मैं तुसें बिचा बिचा सुना जा नहीं नहीं जो तुसें मेन क्रक्स लगता ना कि जितों साढ़े जेडे व्यूअर ना उन्हें थोड़ा जा इंटरेस्ट जागे ताकि वह तुंदी किताब लेइए सी पढ़ चलो दाज आरी पोएम पढ़ने के और बाद अगली पढ़ने के मेरी एक कविता जी इक्या इक्या जागत ब्याहना जानी सारे जाना है जी इक्या इक्या जागत ब्याहना जानी सारे जाना है ओदा दिता सबके साड़ा दाज असें कित लाना क्या बात टिक्का ठाका घर गए लगे रुट्टी खागे होटल जी जी टिक्का ठाका घर गए लगे रुट्टी खागे होटल जी रिंग सैरामनी करनी हो है बुक कराए मोटल जी थाए थाए नी खज्जल हो असें खर्चा तुंदा बचाना है ओदा दिता सबके साड़ा दाज असें कित लाना है क्या बात सूट नौंगने अस नहीं मंगदे बंदे पायो सारे गी सूट नौंगने अस नहीं मंगदे बंदे पायो सारे गी ताए चाचे मामे किन्ने सारा थोर वारे गी रेडीमेड गै देओ सबके साढ़े कुन बनाना है ओदा दिता सबके साढ़े दाज असें कित लाना है मिलनी बेले कंबल देओ मिलनी बेले कंबल देओ कन्ने अंगूठी चैनी जी मामे गी तो नकद गै देओ ओ है नी परेशानी जी चुप चुपीते देना सबके कुसे नहीं सनाना है ओदा दिता सबके साड़े दाज असें कित लाना है क्या बात साड़े घर नहीं मंजे सोफे नागे ठंडा पानी है साड़े घर नहीं मंजे सोफे नागे ठंडा पानी है ती जे तुंदी साड़े पुज्जे कुत्थे असें बठानी है आंदे गे जे ठंडा मंगे कुत्थू असें पलाना है कुत्थू असें पलाना है कुत्थू असें पलाना है ओदा दिता सबके साड़ा दाज असें कितलाना है घर कोठे ते कच्चे साड़े घर कोठे ते कच्चे साड़े पक्के अजे बनाने न मंजे सोफे बेड़े आनी कुत्थे असें टकाने न तुसें गै सीमेंट इट सटानी पक्का शैल छताना है ओदा दिता सबके साड़ा दाज असें कितलाना है सस्सू गी ते झुमके पायो सस्सू गी ते झुमके पायो दादी कित्ते बाली जी दादी दे दादे की तो सनैतियां पायो चांदी दी कन्ने थाली जी कोट कटना सीता दे ओ इत्थे कौन सियाना है ओदा दिता सबके साड़े दाज असें कित लाना है जानी साड़ी आउनी थोड़ी चार क बसा होंगन जी जानी साड़ी आउनी थोड़ी चार क बसा होंगन जी कन्ने पर सत्कारा होंगन राती होटल रौंगन जी कन्ने होंगन साजी बाजी बनला जिन्हें बजाना है कन्ने होंगन साजी बाजी बाजा जिन्हें बजाना है ओदा दिता सबके साड़े दाज असें कित लाना है जानी दी तुस खातर करियो ठंडे मिठे कौड़े ने जानी दी तुस खातर करियो ठंडे मिठे कौड़े ने अंडा मच्छी खंदे सारे पींदे नहीं पकौड़े ने और मती नहीं खेचल करियो मास पत्त गै खाना है ओदा दिता सबके साड़े दाज असें कित लाना है जानी साड़ी राती रौनी बडलै उठी औनी है न्हारी शैल खलाई भेजना कन्नै सवेरी पानी है कुड़माचारी होई गेई जेल्लै भार तुसें नी पाना है ओह्दा दित्ता सबके साढ़े दाज असें कित लाना है वीडियो कैमरा असली औगे एल्बम तुसें बनाने वीडियो कैमरा असली औगे एल्बम तुसें बनानी है असें तुंदे ने मिलनी करनी फोटो तुसें खचानी है पैसे दा तुस फिक्र नी करियो ब्याह दे बाद मकाना है ओदा दिता सबके साड़े दाज असें कित लाना है धियें गी ते हर कोई दिंदा ये नहीं बिंद बराई है
ਧੀਏ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲੀ ਦਿਓ ਇਹ ਤੁੰਦੀ ਗੇ ਜਾਈ ਹੈ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾਰ ਗਿਆ ਦਿਓ ਸਕੂਟਰ ਕੁੰਡ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਧੀਏ ਕੀ ਜੋ ਦਈਏ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸ ਮੇਰੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਧੀਏ ਕੀ ਜੋ ਦਈਏ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਧੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤਰਾਉਣਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕੰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਐਕਚੁਲੀ ਉਸੀ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਕਰਨਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੈਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਏ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੂ ਗਿਆ ਪੈਰ ਕਰਨੇ ਪਵਾ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕਰੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਇੰਨਾ ਗਾਹੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਿਸ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਬਾਕੀ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 70 ਪਲੱਸ ਹੋਈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 70 ਸਾਲ ਗਏ ਭੁੱਲੇ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੰਨੂ ਦੇ ਉਹ ਚਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਿਸ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸੀ ਇਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਈ ਅਸ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਕੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਓ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਓ ਉਹ ਰਾਤੀਂ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਾਤੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਘੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰੀਏ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋਈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਅਸ ਕੇ ਆਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਜਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੂਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਏ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਈ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਾਈਏ ਰੱਖਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੋਲ ਪਰਪਸ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਈ ਵਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਰਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ
ਹੈ।